तो ये भी कितने बीघे का प्लॉट है? तीन। ये भी 3 बीघे का प्लॉट है, तो लेकिन यहाँ बहुत भयंकर घास हो रखा अभी तो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज तो पहले करी आप लोगों से मकान की वीडियो शेयर, तो आज करती हूँ मैं आपको एक प्लॉट की वीडियो शेयर। वो है, वो भी 3 बीघे में है जो प्लॉट हुआ है, और वो है मनवाल कॉलोनी। मनवाल मतलब वही गढ़वाली लोग हैं सारे यहाँ। तो मैंने तो आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे जो बाला वाला है तो उसमें ज़्यादातर मतलब गढ़वाली लोग हैं। तो आज मैं करती हूँ चलिए आपसे वीडियो शेयर प्लॉट की, वो भी बहुत अच्छा प्लॉट है। ये गुलरघाटी रोड, गुलरघाटी रोड से चले गए हम थोड़ा अंदर, मनवाल इंक्लेव। ये देखो, ये मनवाल इंक्लेव है। रोड से 18 फीट की रोड जा रही है अंदर, और इस तरीके से इस मकान के पीछे से, लेकिन रास्ता इधर से भी है, हम लोग इधर से जा रहे हैं। 18 फीट की रोड आ रही है, वहां से दिखाया कि मैंने इस मकान के पीछे से, और ये सामने जो पेड़ है उसके थोड़ा सा इधर चल जाएंगे, और इतनी दूरी पे है दूसरी रोड। जैसे हम नहर से आए और एक ये थोड़ा आगे दूसरी रोड है, तो हम आ रखे इस रोड पे। ये बरसात के बाद ये भी पक्की हो जाएगी रोड, और इधर हम लोग जा रहे हैं प्लॉट में, जहाँ आप लोगों को हम प्लॉट दिखाने ले गए ला रहे हैं। तो ये भी कितने बीघे का प्लॉट है? 3। ये भी 3 बीघे का प्लॉट है, तो लेकिन यहाँ बहुत भयंकर घास हो रखा अभी तो, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो ये यहाँ से जो जहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, यहाँ से ये पूरी रोड है, ये भी 18 फीट की रोड है, 18 फीट की रोड है। जहाँ ये बाढ़ लगी हुई है वहाँ से जहाँ मेरे ये सीधे हस्बैंड जा रहे हैं, वहाँ ये पूरी रोड है, वहाँ मकान तक टच है ये रोड। और यहाँ तक तो ये ज़मीन बिकी हुई है, जहाँ पे ये मकान है, ये मकान बना हुआ है, यहाँ तक ज़मीन बिकी हुई है, इसके आगे पूरा खाली है। तो इधर भी ज़मीन है और आगे जाके इधर भी ज़मीन है, दोनों तरफ ज़मीन है, दोनों तरफ प्लॉटिंग हो रखी है। तो ये रोड, ये जैसे मैंने बताया ये रोड है 18 फीट की, और इधर है ये प्लॉट। तो प्लॉट तो मिलेगा आपको 40 फीट इसकी गहराई है, 40 है ना, इसकी 40 फीट गहराई है, और चौड़ाई आपको जितनी लेनी है इसकी वहाँ तक पूरा मकान तक, पूरा सामने मैंने दिखाया आपको मकान तक जमीन है, तो पूरा रास्ता टच है वहाँ तक, ये पूरा रास्ता वहाँ मकान तक टच है पूरा। ये जो इधर भी प्लॉटिंग है इस तरफ, जहाँ से तार बाड़ हो रखी है, ये डिमार्केशन दिखा रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मैं आपको प्लॉट दिखाने के लिए ला रखी हूँ, और ये पड़ता है आपका बाला वाला में है ये प्लॉट, और ये भी बहुत अच्छा है, और ये मनवाल मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। ये मनवाल लोगों का ही प्लॉट है, तो उन्होंने सेल पे कर दिए प्लॉट, तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखाने लाई हूँ। ये पूरा 18 फीट की रोड है, और पूरा घास है ना, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, और पूरा जो मैंने बता दिया कितने बार बता दिया कि मकान तक टच है, और वहाँ से दोनों तरफ मिला के ये काफ़ी चौड़ाई आप जितना मर्जी ले सकते हो, 40 फीट गहराई है, और बहुत अच्छा प्लॉट है। और ये प्लॉट क्या है कि अभी तो घास हो रखा था, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जब ये घास हो जा मतलब घास कट जाएगा, इसकी सफाई हो जाएगी बरसात बाद, तो तब आपको ये प्लॉट दिखने लग जाएगा, क्योंकि अभी ये दिख नहीं रहा, हमें ढंग से नहीं दिख रहा, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो घास भी वैसे वाला नहीं है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नहीं है, ये घास है, तो ये भी डंगरों वाला ही घास है। तो इस तरीके से ये जब बन जाएगा बरसात के बाद, तो आप लोग खैर देखने तो अभी भी आ सकते हो। अगर आप लोगों को ये प्लॉट पसंद आएगा तो आप लोगों को मैं लास्ट में अपने हस्बैंड का नंबर दे देती हूँ, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोग रेट पूछते हो, तो रेट क्या है कि अगर आप कॉल करके पूछोगे या कमेंट में भी बता देते हम आप लोगों को, और कॉल करके भी पूछोगे, तो आप लोगों को उससे कहीं ज़्यादा जानकारी आप लोगों को हमसे मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ के बारे में, तो इसलिए आप लोगों को हम प्लॉट बताते रहेंगे ऐसी। तो चलिए अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, और जिनको प्लॉट चाहिए होगा आपके रिश्तेदार या दोस्तों में, तो उनको शेयर कीजिए और बताइएगा कि यहाँ बाला वाले में प्लॉट भी अच्छे अच्छे हैं, एक से एक, और मकान भी एक से एक एक है। अगर आपको ज़मीन मतलब दुकान की जगह चाहिए होगा, तो वो भी आप लोग हमसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो हम आप लोगों को दुकान के बारे में भी बताएंगे।
और आप लोग यहाँ के रेट के बारे में सोचते होंगे कि ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का रेट अगर ये मतलब रोड पक्की बन जाएगी तो इसके रेट और हाई हो जाएंगे। रेट तो यहाँ के कम होने से रहे, जब से उत्तराखंड बना है तो यहाँ के रेट बढ़ते ही चले गए। हम लोगों को भी मालूम है, हम लोग यहीं रहते हैं, मुझे भी 2600 साल लग गया यहाँ देहरादून में रहते हुए, लेकिन जब से उत्तराखंड बना हुआ है तब से आपको भी पता है कि यहाँ के रेट हाई हो गए हैं। और अभी तो क्या हुए हैं, आने वाले समय में और हाई होते रहेंगे अगर आप लोग टाइम से प्लॉट ले लोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मकान ही लेना है, जिसके पास इतना बजट नहीं है तो वो अभी प्लॉट ले के रख सकते हैं और बाद में मकान बना सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने जो भी आप लोगों का नक्शा है उसके हिसाब से। तो अभी क्या है कि अभी आप प्लॉट अगर ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपका बजट है तो प्लॉट ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसके बाद आप अपने इच्छा से अच्छे से मकान भी बना सकते हैं।